हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चार दिन में दूसरी बार जोधपुर बंद। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में सोमवार को कांग्रेस के आह्वान पर भारत बंद के तहत जोधपुर में भी बंद रखा गया। बंद का जोधपुर में व्यापक असर देखा। आमजन ने इस बंद में सहयोग दिया। हालांकि कुछ स्थानों पर बंद को लेकर छुटपुट वारदातें भी हुई, लेकिन कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। बता दें कि पिछले चार दिन में ये दूसरी बार जोधपुर बंद हुआ है। इससे पहले 6 सितंबर को SC/ST एक्ट में संशोधन के विरोध में किया गया था बंद। सोमवार को देश भर में पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद का जोधपुर में व्यापक असर देखा गया। शांतिपूर्ण माहौल में शहर के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिष्ठान रोजाना की तरह खुले, लेकिन बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टोलियों ने इन दुकानों को बंद करवा दिया। सतर्कता और समर्थन के चलते मुख्य बाजार से रौनक नदारद थी। हालांकि दुकानें बंद कराने पहुंचे कांग्रेस नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आम जनता ने सवाल जवाब भी पूछे और अपने स्तर पर ही चुनाव के वक्त इस महंगाई के मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाने की नसीहत भी दी। बंद के दौरान हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप, पैथलैब और शिक्षण संस्थानों और बाबा रामदेव के भंडारे और मंदिर के नीचे के क्षेत्र को बंद से मुक्त रखा गया था। कांग्रेसियों ने बंद को व्यापारिक, औद्योगिक संगठनों और आम जनता का समर्थन बताया, लेकिन बंद के दौरान अधिकांश बाजारों में सुबह 10 बजे के बाद बाजार खुलते और बंद होते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश छोटे बड़े गांव और कस्बे में बंद के दौरान अधिकांश बाजार खुले नजर आए। बंद का व्यापक असर शहर के भीतरी बाजारों में देखा गया। नई सड़क त्रिपोलिया, सोजती गेट, जालोरी गेट, सरदारपुरा, बी और सी रोड, गोल बिल्डिंग, चौपासनी रोड, पावटा, बासनी, सूरसागर आदि स्थानों पर बाजार खुले रहे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।